सिंपल सी बात है। चलो ए बैटरी का था, ईएमएफ 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल रेजिस्टेंस आर। चलो तो एक बैटरी है प्लस माइनस, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ से एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये, दिस इज़ द वेरिएबल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेशन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो लगा देते हैं, दिस रिप्रेजेंट वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये प्लस माइनस ईएमएफ 10 वोल्ट की बैटरी है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, ठीक है। तो पावर मैक्सिमम इस सर्किट में, मैक्सिमम पावर, अब जब बैटरी लगा है तो इसकी जो वैल्यू है ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू वेरिएबल है, तो यहाँ से करंट कुछ सर्किट में भेजेगी, तो पावर इज इक्वल टू वो होगा आई स्क्वायर आर, ठीक है। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर जब उसकी कुछ वैल्यू होगी। अब आई की वैल्यू जो नेट ईएमएफ अपन नेट रेजिस्टेंस स्मॉल आर प्लस आर, और ये आई स्क्वायर और आर, दिस इज द पावर। तो ये जो पावर होता है ये एक जनरल पावर है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ है, ठीक है। दिस इज द जनरल पावर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, एक जनरल पावर ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम पावर जब होगा तो पावर डिलीवर टू इट मैक्सिमम गिवन बाय द वैल्यू, इस आर की वैल्यू कितनी हो कि जिससे इस सर्किट में मैक्सिमम पावर कंज्यूम हो। तो अगर इस मैक्सिमम पावर कंज्यूम अगर आप पढ़े होगे तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो मैं इसको डेरिवेटिव ले लोगे ऐसे dP/dR, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व करने के बाद तुम्हें पता चलेगा स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस रिजल्ट को याद रखो ना भाई, इस रिजल्ट को याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इधर, ठीक है। ये कहता है कि अगर एक सर्किट है, एक बैटरी है, दो इस टाइप के सिचुएशन में, तो पावर मैक्सिमम तब होता है जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल होता है, उस वक्त सर्किट में मैक्सिमम पावर कंज्यूम होता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो अब आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए, तो कैपिटल आर की वैल्यू जब 0.5 ओम होगी उस वक्त सर्किट में मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। नहीं तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, पावर लिखो, इसका डेरिवेटिव करो, मैक्सिमम के लिए dP/dR लोगे तो स्मॉल आर के इक्वल आ जाएगा। चलो 10 आइडेंटिकल बैटरी ईच आप